फाइनली फ्रोजी सूट की शूट हो गई। ओह माय गॉड, बहुत लंबा था सारा शूट, बट क्योंकि छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें थी दैट आई वांटेड टू शो, सो या इट्स डन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दिस इज माय प्रिपरेशन ऑफ फ्रोजी ड्रेस। थोड़ा सा करीब आके दिखाना कि इसकी क्या क्या प्रिपरेशन है। ये देखें, थोड़ा सा दूर जाओ। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हेयर स्टाइल और मेकअप जो है जुबैर का है। मैं जुबैर का क्लिप ऐड कर दूंगी और उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ब्यूटीफुल मेकअप किया है, बहुत फिनिश लुक है और हेयर स्टाइल भी मेरा बहुत फेवरेट है। थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाना कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। ये एक हेडबैंड है जो बहुत अंदर तक पूरा डीप जा रहा है और उसके साथ ये मेरे झुमके भी हैं। मतलब काफ़ी कुछ है, माथा पट्टी है और छोटी छोटी बहुत सारी एम्बेलिशमेंट है, चीज़ें हैं। तो उसने बहुत अच्छा सेट करके दिया है। हेयर स्टाइल है बहुत प्रिटी और मेरे बाल वो भी दिखाओ। ये फुट ज्वेलरी है, एक सेकेंड दोनों पैरों की दिखाती हूँ, जो मैंने उमर से डिज़ाइन करवाई है। और हाथों की भी दिखाती हूँ, ये हाथों की है और ये भी मतलब पूरा ये कंप्लीट राजस्थानी लुक है। और बाजूबंद दिखाना मेरा, बाजूबंद में मैंने रेड का टच दिया है, छोटी छोटी पीछे से बैक के टेसल्स भी दिखाना, पूरा मतलब ये दिखाना, टेसल्स दिखाना, बस आ गया जो। तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं काफ़ी थक भी गई हूँ। बट इसके भी तीन दुपट्टे हैं। ये दुपट्टा प्योर नेट पे बना हुआ है पूरा, इसमें गोटे का जाल है, इसके अलावा एक टिश्यू का है और एक वेल, जैसे मैं हमेशा वेल बनाती हूँ तो मैं नेक्स्ट क्लिप में वेल भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ अपने हेयर स्टाइल की और अपने ज्वेलरी की। बहुत प्रिटी लुक है, मुझे बहुत पसंद आया है। और इसके साथ वो जो दो दुपट्टे पड़े हुए ना, और वो गेंदा भी पानी में मैंने डाल के रखा हुआ है, सो ये दिखा रही हूँ। तो ये सारा इसका लुक है, सारी इसकी एफर्ट है जो जुबैर ने की है। मुझे जुबैर का मेकअप बहुत अच्छा लगा है और मैंने फॉल्सीज भी लगाई हैं, नॉर्मली मैं नहीं लगाती। अभी मैं खड़े होकर भी दिखाती हूँ, लुक फॉल्सीज लगाई हैं और बहुत ही सॉफ्ट मेकअप है और पूरा एक तरह से हाथ में भी और पूरे ड्रेस में भी एक राजस्थानी टच है। और जैसे ये यहाँ पर मैंने बोरला पहनना था, बट वो टीका मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था क्योंकि राजस्थानी बोरला फिर मैं किसी और ड्रेस के लिए बनवाऊँगी। तो ये इसका लुक है, मैं खड़े होकर भी लुक दिखाती हूँ और दूसरे दुपट्टे भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो दुपट्टा है ना, ये टिश्यू का दुपट्टा है, इससे थोड़ा सा मैंने चटापटी का टच दिया है। ये बहुत प्रिटी इसके टेसल्स हैं, जो आप लोगों को पता है कि मैं बना रही थी, मैंने मां साहब से बनवाया और बाकी इसको लगाया और बीट से मैंने खुद लगाया है। और ये इसका एक तरह से सेकंड दुपट्टा है। आपको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि दो दुपट्टे या तीन दुपट्टे ज़रूर हों, क्योंकि मुझे इसके बॉर्डर्स मैंने इस तरह से किया है। ये भी 3.5 गज का दुपट्टा है, उस पर भी मिरर का काम हुआ हुआ है। और इसका जो मिरर का काम है, क्लोजअप से दिखाना, थोड़ा सा डिफरेंट फ्रोजी है ये दुपट्टा भी, डिफरेंट फ्रोजी कलर का, आसमानी है क्योंकि ये फ्रोजी है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल फ्रोजी कलर है बट ये आसमानी पर है। तो मैं थोड़ा सा कलर फ्लक्चुएट करती हूँ, वो ज़रा अच्छा लुक देते हैं। मुझे लग रहा है माथा पट्टी थोड़ी नीचे आ रही है। एनीवेज, मैं फुल लुक दिखाना चाह रही हूँ। इसका मिरर वर्क का बड़ा प्रिटी, पता नहीं कितनी कलियाँ हैं, 16 गज है ये। और इसके साथ इसका एक चूड़ीदार भी है, उस पर बूटा बना हुआ है सारा, वो भी एक डिज़ाइन मैंने किया हुआ है। और आ रहा है नज़र, एक सेकेंड, चूड़ीदार पे है और ये इसका दुपट्टा है और इसका 16 गज का फ्लेयर है, इसका 16 गज का फ्लेयर है। और मुझे इस ड्रेस को बनाने में टाइम लगा, अच्छा खासा टाइम लगा, क्योंकि सोच सोच के बना रही थी कि क्या चीज़ कहाँ चाहिए। अच्छा, मेरे बैक के टेसल्स भी दिखाऊं। बैक के टेसल्स पे ये मैंने मां साहब से भी बनवाए हैं और ये भी दिखाओ, बाजू में कढ़ाई वाले से बनवाए और मां साहब से। ऑफकोर्स मां साहब का बहुत 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 अच्छा काम है, मैं उनका नंबर भी मैंशन कर दूँगी। और अच्छा, इसका फ्लेयर जो है वो 16 गज का फ्लेयर है और मैंने गानों में खूब इसका फ्लेयर दिखाया है, तो इस तरह से बगैर सॉन्ग के अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है फ्लेयर के साथ। 16 गज का फ्लेयर इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। तो इसका बहुत प्रिटी सा प्रिंसेस लुक आ रहा है। फ्रोजी ड्रेस बहुत दिनों से कर रही थी
और कर करके ना आप लोग भी थक गए होंगे सुन सुन के कि क्या फ्रोजी ड्रेस है। तो ये है फ्रोजी ड्रेस और ये है इसका पूरा लुक। मेरी माथा पट्टी तो आई मीन हेडबैंड तो बहुत पीछे चला गया, तो ये इसकी पूरी तैयारी है, ये इसका पूरा लुक है। और बस अब नेक्स्ट ड्रेस तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आई थिंक फरवरी में आएगा मेरा मरून लहंगा, तो आ रही हूँ मैं नए ज्वेलरी स्टाइल के साथ, नए उसके साथ ज्वेलरी स्टाइल और नए लाइक ऑफ कोर्स एम्ब्रॉयडरी और डिज़ाइनिंग के साथ, कलर कॉम्बिनेशन के साथ, बट मरून है वो, मरून के साथ ज्वेलरी सारी रेडी है। बाकी उसके टिडबिट्स आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ें मेरी बहुत होती हैं, आई मीन बाजू बंद हो गया, टेसल्स हो गए, एक्स्ट्रा दुपट्टे हो गए, वेल हो गया, तो उस सब के साथ मैं आ रही हूँ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लव यू और सब्सक्राइब करके जाइएगा।